देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट आज नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ और समर्थन में दायर कुल 144 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इनमें एक याचिका केंद्र सरकार ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को संविधान की मूल भावना के खिलाफ और विभाजनकारी बताते हुए रद्द करने का आग्रह किया है। ज्यादातर याचिकाओं में नागरिकता संशोधन कानून की वैधता को चुनौती दी गई है। वहीं कुछ याचिकाओं में इस कानून को संवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े, जस्टिस एस अब्दुल नजीर तथा जस्टिस संजीव खन्ना को 3 सदस्यीय पीठ ने 9 जनवरी को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अदालत ने नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि याचिकाओं पर तभी सुनवाई होगी जब हिंसक घटनाएं बंद हो जाएगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और इंडियन मुस्लिम लीग समेत कई लोगों और संगठनों ने याचिका दायर की है। ज्यादातर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून भारत के पड़ोसी देशों से हिंदू, बौद्ध, ईसाई, पारसी, सिख और जैन समुदायों के सताए हुए लोगों को नागरिकता देने की बात करता है, लेकिन इसमें जानबूझकर मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। संविधान इस तरह के भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 18 दिसंबर को CAA की संवैधानिकता की समीक्षा करने का फैसला किया था, जबकि इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। संशोधित कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट में आज शाहीन बाग मामले पर भी सुनवाई हो सकती है। CAA कानून के खिलाफ सैकड़ों लोग एक महीने से भी ज्यादा समय से सड़क पर धरना दे रहे हैं। इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि धरने की वजह से नोएडा और दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही है। संशोधित कानून के अनुसार धार्मिक प्रताड़ना के चलते 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार की रात नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को स्वीकृति प्रदान कर दी थी, जिससे यह कानून बन गया था। कश्मीर और हिमाचल में फिर से बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है। दिल्ली में न सिर्फ ठंड अधिक है बल्कि कोहरे ने भी मौसम का मिजाज बदल दिया है। बुधवार की सुबह दिल्ली की सड़कों पर कोहरे की मोटी चादर दिखी। दिल्ली NCR के अधिकतर इलाकों में बुधवार की सुबह कोहरा छाया रहा और इसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ। कोहरा इतना ज्यादा था कि विजिबिलिटी भी कम हो गई। बुधवार की सुबह जब दिल्ली वासियों की नींद खुली तो घना कोहरा देख लोग दंग रह गए। सुबह 7 बजे भी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि रात हो। समाचार एजेंसी ANI ने कुछ तस्वीरें जारी की है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे दिल्ली NCR में घना कोहरा छाया हुआ है। आज सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी से आम जनजीवन पर भी असर पड़ा। कश्मीर हिमाचल में घरों की छत, पेड़ और सड़कें बर्फ की चादरों से ढकी हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। श्रीनगर, गुलमर्ग के विश्व प्रसिद्ध स्काई रिजॉर्ट पहलगाम और राज्य के अन्य भागों में मंगलवार सुबह से हल्की बर्फबारी हो रही है। कश्मीर घाटी में हालांकि रात के तापमान में सुधार हुआ, जबकि अगले 24 घंटों में यहां हल्के से मध्यम स्तर तक बर्फबारी होने के आसार है। मौसम विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से अगले 24 घंटे में हल्के से मध्यम स्तर तक हिमपात के आसार है। हिमाचल की राजधानी शिमला और मनाली में ताजा बर्फबारी से सिर्फ पहाड़ी राज्य ही नहीं बल्कि निचले मैदानी इलाकों के तापमान में भी गिरावट आई है। शिमला जिले में ऊपरी कस्बों में सड़कों पर बर्फ का ढेर होने के कारण सुबह यातायात आंशिक रूप से बाधित हुआ। हालांकि बर्फबारी से रिजॉर्ट और इसके आसपास के क्षेत्रों का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के बीच कश्मीर मुद्दे पर भी चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाक प्रधानमंत्री इमरान खान को भरोसा दिलाया कि वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कश्मीर के हालात पर चर्चा करेंगे। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक से इतर इमरान से हुई द्विपक्षीय मुलाकात में ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत पाक चाहे तो वह दोनों देशों के बीच तनाव घटाने में मदद देने को तैयार है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी चल रहा है अगर हम मदद कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। हम कश्मीर के हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान इमरान ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बड़ा मुद्दा है। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी कम करने में अहम भूमिका निभाता रहेगा क्योंकि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता है। पाक प्रधानमंत्री ने ट्रंप से अफगानिस्तान के हालात पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में शांति स्थापना का पक्षधर है। वह क्षेत्र में
में स्थिरता लाने की दिशा में योगदान देता रहेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम लोग ज्यादा व्यापार कर रहे हैं, कुछ बॉर्डर पर हम साथ में काम कर रहे हैं, हम कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसे देख रहे हैं और इसे फॉलो कर रहे हैं। जुलाई 2019 में खान की वॉशिंगटन यात्रा के बाद से ट्रंप के साथ उनकी बैठक पाकिस्तान और अमेरिकी नेताओं के बीच तीसरी नेतृत्व स्तरीय बातचीत थी। इससे पहले व्हाइट हाउस ने भी खान ट्रंप बैठक की पुष्टि की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कॉरपोरेट व्यापार प्रौद्योगिकी और वित्त अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें आयोजित करने की भी योजना है। निर्भया के दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाने वाला पवन जल्लाद तिहाड़ जेल में बने फ्लैट में रुकेगा। तिहाड़ जेल मुख्यालय से चंद कदम दूर स्थित सेमी ओपन जेल के एक फ्लैट से तीन कैदियों को दूसरे कमरे में स्थानांतरित किया गया है। सूत्रों का कहना है कि इस कमरे को जल्लाद पवन के लिए खाली कराया गया है। इस कमरे में उसके ठहरने का इंतजाम किया जाएगा। बताया गया है कि पवन के लिए एक रफोल्डेक बेड, रजाई और गद्दे की व्यवस्था की जा रही है। उसका भोजन कैंटीन में तैयार किया जाएगा। वह 30 जनवरी को तिहाड़ पहुंच जाएगा। सूत्रों ने बताया कि तीन पर जेल में बंद निर्भया के चारों दोषी मुकेश, अक्षय, पवन और विनय की मंगलवार सुबह 11 बजे जेल के ही अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई। सुबह विनय ने अपने पेट में दर्द होने की शिकायत की थी। डॉक्टरों ने उसकी जांच की और दवाई दी। इस संबंध में जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि शाम को भी चारों की जांच कराई। इनकी सभी रिपोर्ट सामान्य आई। बताया गया है कि मंगलवार रात उनकी सुरक्षा के लिए सेल के आसपास चार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इनमें जेल के वार्डन तथा टीएसपी के पुलिसकर्मी शामिल हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक मंगलवार शाम सेमी ओपन जेल में बने एक फ्लैट को खाली कराया गया। इस फ्लैट में वे तीन कैदी रह रहे हैं जिनकी सजा के 13 साल पूरे हो चुके हैं। इन तीनों को अन्य कैदियों के साथ रखा गया है। खाली कराया गया फ्लैट पवन जल्लाद के लिए रखा गया है। 30 जनवरी को पवन जल्लाद तिहाड़ पहुंच रहा है। यहां वह 1 फरवरी को दोपहर तक रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आगामी 10 फरवरी से शुरू हो सकता है। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए बजट प्रस्ताव पास कराया जाएगा। सत्र के इस बार लंबा चलने के आसार है। इस सत्र में कई विधेयक भी पास कराए जाएंगे। वित्त विभाग ने इस बजट के लिए विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों संग बजट सत्र के संबंध में चर्चा की और कहा कि मंत्री लोग अभी से इसके लिए जरूरी तैयारी करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यूपी दिवस के आयोजन में मंत्री भागीदारी निभाए। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।